मणिपाल ने तरह तरह की जो भी टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है उसको ला करके यहाँ रखा है, और मणिपाल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि हम बेस्ट कार्डियक केयर अपने पेशेंट्स को दे सकें। वो क्या बेस्ट कार्डियक केयर है जो कि हम देना चाहते हैं? हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियक सर्जरी, जहाँ पर कि हम कन्वेंशनल कार्डियक सर्जरी के अलावा मिनिमल इन्वेजिव वाल्व सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, रोबोटिक कार्डियक सर्जरी, रीडू सर्जरी, एओटिक सर्जरी और सर्जरी हार्ट फेलियर के लिए, जब व्यक्ति को हार्ट फेल हो जाता है तो जैसे कि एलवेड है और वाल्व रिपेयर सर्जरी है, उन सबको यहाँ महारत हासिल करके अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। मैं आपको एक नमूना दिखाना चाहता हूँ। इस कार्टून को देखिए, ये हार्ट का कार्टून है, ये हार्ट के चैम्बर्स हैं, लेफ्ट और राइट चैम्बर्स हैं। इस चैम्बर में ये दिखाया गया है कि पेशेंट का एओर्टिक वाल्व खराब हो गया है, और हमने क्या कोशिश करी है कि कैथेटर के द्वारा बिना हार्ट को अरेस्ट किए, हार्ट को खोले, कैथेटर बेस्ड टेक्नोलॉजी से इसका एओर्टिक वाल्व रिप्लेस कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें कि ये एओर्टिक वाल्व क्रिम्प करके कैथेटर में डाल दिया जाता है और पेरिफेरल आर्टरी से वाल्व को डायलेट करके उसकी जगह पर ये आर्टिफिशियल वाल्व बैठा दिया जाता है। ये एक तरह का चंबा है कि नॉर्मली पहले कन्वेंशनल हार्ट सर्जरी में हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेते थे, उसके हार्ट को अरेस्ट करते थे, हार्ट लंग मशीन यूज़ करते थे, वाल्व जो हार्ट के अंदर है वहाँ पहुँचते थे हार्ट को खोल करके, और फिर सफाई करके हार्ट को रिप्लेस करते थे। इस नई टेक्नोलॉजीज को कि हम टावर कहते हैं, परकुटेनियस वाल्व रिप्लेसमेंट टेक्निक में हम बिना कुछ कटपिट किए वाल्व को सीधे रिप्लेस कर रहे हैं। ये एक नमूना है। दूसरा नमूना है रोबोटिक सर्जरी। मेरी प्रैक्टिस में मैंने 2002 में रोबोटिक सर्जरी शुरू करी थी इंडिया में, और करीब 500 सर्जरी मैंने करी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड जनरेशन रोबोट है जिसमें कि हमने बाईपास सर्जरी शुरू किया है रोबोट के द्वारा, इवेंचुअली हम वाल्व का रिपेयर और रिप्लेसमेंट करेंगे इसके द्वारा, और हार्ट के अंदर जो पैदाइशी छेद होते हैं उनको भी बंद करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारे मरीज को बिना ज़्यादा कटकुट किए और जल्दी से बिना ज़्यादा ब्लड यूज़ किए और अस्पताल में 5-6 दिन रख करके छुट्टी करें, जिससे कि वो 2-3 हफ्ते के अंदर अपने काम पर लग जाएं। ये हॉस्पिटल का मुहिम है कि किस तरह से हम बेस्ट से बेस्ट जो हार्ट का ऑपरेशंस है, जो इंटरवेंशन है कार्डियोलॉजी के द्वारा, उनको प्रोवाइड करें। इस मुहिम में मणिपाल हॉस्पिटल हाइब्रिड लैब लगाने वाला है, जिसमें कि कैथ लैब और ऑपरेशन थिएटर कंबाइंड एक जगह पर रहेंगे, जहां पर कि हम विविध तरह के टेक्नोलॉजी के द्वारा हार्ट की ट्रीटमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका रिजल्ट भी वहीं का वहीं चेक कर लें। इन सारी टेक्नोलॉजी की वजह से न सिर्फ दिल्ली के बल्कि तमाम दूसरे प्रदेश के मरीजों को भला होने वाला है, और इसके साथ में भी विदेश से भी तमाम जो मरीज़ यहाँ आ रहे हैं उन्हें भी हम इन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा दे सकेंगे।